मेरा नाम यादव प्रधान। दोस्तों, अगर आप योनो SBI यूज करते हैं, नहीं तो योनो लाइट SBI यूज करते हैं, तो अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे हमारा ईमेल में मंगाते हैं और देखते हैं। और दोस्तों, तो उसमें पासवर्ड मांगता है ना, उसमें पासवर्ड खुल नहीं पाते हैं, मान लीजिए आप, तो आप उस अकाउंट का पासवर्ड खुल नहीं पाएंगे तो देख नहीं पाएंगे, तो वो SBI का आपका अकाउंट स्टेटमेंट आपका मोबाइल में कैसे मंगाएंगे और बिना पासवर्ड खुले हम देखेंगे। चलिए दोस्त, जानेंगे और सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, योनो SBI को मैं ओपन करता हूं और दिखाता हूं। चलिए दोस्त, मैं योनो SBI को क्लिक कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, और यहां से लॉगिन करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद है ना दोस्तों, कहाँ क्लिक करेंगे, इसी में क्लिक करेंगे, अकाउंट में। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये निशाना में। देखिए दोस्त, खुल गया है। देखिए, अगर ईमेल में क्लिक करेंगे हम, तो ये ईमेल में जाएगा, अगर इसी में क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल में जाएगा। मैं ईमेल में भी क्लिक करता हूँ और इसी जगह में भी क्लिक करता हूँ, दोनों जगह में देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप भी देखेंगे अकाउंट स्टेटमेंट, ईमेल का पासवर्ड मांगता है और इस साइड में क्लिक करते हैं उसी में पासवर्ड नहीं मांगता है। देखिए, ईमेल का मैं क्लिक कर दिया और सर्चिंग हो रहा है। देखिए दोस्त, मेल हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल। जो ईमेल आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, उसी में क्या गया है, वो स्टेटमेंट गया बोल रहा है। इसमें ओके दबा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और अभी इसी साइड में हम क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसी में। इसमें क्लिक करने से डायरेक्ट आपका फाइल मैनेजर में जाएगा और फाइल मैनेजर क्लिक करते ही अकाउंट स्टेटमेंट खुल जाएगा। देखिए, मैं क्या लिखाया है, फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ई फाइल स्टोरेज ई मुलेटेड, ऐसे मैसेज आया, इसको मैं ओके करता हूँ। अभी इसी को मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट कर दे, यस दबा देता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इजी प्रोसेस में कैसे हम देखेंगे। देखिए, अभी ईमेल में हम खुलेंगे तो पासवर्ड, ये मेरा ईमेल है तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट मांगता है। ये दोस्तों, ये देखिए, ये और ये देखिए दोस्तों, इसमें पासवर्ड मांगता है। मैं मान लीजिए इसी में क्लिक करूंगा, वो खुलेगा नहीं है। देखिए, इसी में ये है अकाउंट स्टेटमेंट, देखिए लिखा भी है अकाउंट स्टेटमेंट, पासवर्ड प्रोटेक्ट है। देखिए दोस्त, खुलता नहीं है ये, और हम दूसरा जगह में खुलेंगे, फाइल मैनेजर में। अभी बैक चलता हूँ, ठीक है दोस्तों, मेरा फाइल मैनेजर ये है, फाइल मैनेजर ये।
इसी में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से स्टोरेज में क्लिक करेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, स्टोरेज में क्लिक कर देता हूँ। और नीचे देखिए स्क्रॉल के जाएंगे अकाउंट स्टेटमेंट, देखा है दोस्त पीडीएफ फाइल में आया है ये अकाउंट स्टेटमेंट। इसी में अगर क्लिक करेंगे डायरेक्ट हमारा अकाउंट का पूरा डिटेल स्टेटमेंट आ जाता है। देखा है दोस्त, आप इस तरह हो अकाउंट स्टेटमेंट डायरेक्ट आपका मोबाइल में मंगा सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देंगे, और अच्छा अच्छा वीडियो पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे। दोस्तों रखता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।